मॉर्निंग एवरीवन स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रसम स्टडी में और आज के हमारे इस करंट अफेयर सेशन में हम बात करने वाले हैं ट्वेंटी फोर्थ जुलाई के करंट अफेयर को हमारे इस करंट अफेयर सेशन में हम जो भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हम बस उनको ही डिस्कस करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के करंट अफेयर सेशन को और हमारी पहली हेडलाइन है नेशनल रिफ्रेशमेंट डे नेशनल रिफ्रेशमेंट डे यह yeah डे हर साल जुलाई के फोर्थ थर्सडे को सेलिब्रेट किया जाता है जुलाई मंथ में फोर्थ थर्सडे को जो भी डेट आती है उस दिन नेशनल रिफ्रेशमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है 2020 में यह डे 23 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया 2020 में जुलाई में फोर्थ थर्सडे को जो डेट थी वो थी 23। तो इस बार ट्वेंटी जुलाई को नेशनल रिफ्रेशमेंट डे सेलिब्रेट किया गया है यह डे हमारे बिजी एंड हैक्टिक रूटीन से खुद को रिफ्रेश करने की याद दिलाने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है जिससे हम हमारे रेगुलर शेड्यूल से रेगुलर इंटरवल को लेकर हमारे स्ट्रेस को डिटॉक्सीफाई कर सके, मींस उसको कम कर सकें तो हमारे स्ट्रेस को कम करने के लिए हमारे माइंड को रिफ़्रेश करने के लिए यह नेशनल रिफ्रेशमेंट डे मनाया जाता है जो कि हर साल जुलाई के फोर्थ थर्सडे को सेलिब्रेट किया जाता है अगली हेडलाइन है हमारी रेयर येलो टर्टल डिस्कवर्ड इन इंडिया इंडिया में एक रेयर येलो टर्टल देखने को मिला ओडिशा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में एक फार्मर जिनका नाम वासुदेव महापात्र है उन्होंने एक येलो कलर के टर्टल को देखा मीन्स उन्होंने एक येलो कलर के कछुए को देखा एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग यह एल्बिनिज्म का एक प्रोडक्ट है एल्बिनिज्म इट्स अ टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर जिसमें पिगमेंट प्रोडक्शन कम होता है या फिर नहीं होता है तो जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग यह एल्बिनिज्म का प्रोडक्ट है जिस वजह से टर्टल का कलर येलो है टर्टल को इंडियन फ्लैक्सिल टर्टल के नाम से जाना जाता है यह टर्टल आ, टर्टल कॉमनली पाकिस्तान श्रीलंका इंडिया नेपाल बांग्लादेश और म्यांमार में पाए जाते हैं तो रेयर येलो टर्टल यह ओडिशा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में पाया गया नेक्स्ट हेडलाइन है हमारी फैम पे लॉन्च नंबरलेस कार्ड फॉर टीनेजर्स फैम पे ने टीनेजर्स के लिए नंबरलेस कार्ड को लॉन्च किया है टीनेजर्स के लिए इंडिया का पहला नियो बैंक फैम पे ने इंडिया का पहला नंबरलेस कार्ड फैम कार्ड को लॉन्च किया है जिससे जो भी टीनेजर्स हैं वो इस कार्ड को एज़ अ डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं मींस उनको पेमेंट करने के लिए अपने पेरेंट्स से फिर किसी फिजिकल कैश या डेबिट क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वो इस फैम कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं तो फैम पे ने टीजर्स के लिए इस फैम कार्ड को लॉन्च किया है फैम पे को देखें तो इसका हेड क्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका है और इसके फाउंडर कुस्तानेजा एंड संभो जेन है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि फैम कार्ड को आ, किसने लॉन्च किया है तो इस, इसको टीनेजर्स के लिए इंडिया का पहला नियो बैंक फैम पे ने लॉन्च किया है इसका हेडक्वार्टर और इसके फाउंडर ये दोनों भी आप लर्न कर लीजिए अगली हेडलाइन है हमारी गो एयर लॉन्च गो मोर स्कीम टू बुक एडजस्टेंड सीट फॉर सोशल डिस्टेंसिंग सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गो एयर ने गो मोर स्कीम को लॉन्च किया है जिससे आप अपने एडजेसेंट सीट को भी बुक कर सकते हैं गो mm एयर -hmm. ने इस पैंडमिक में सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए पैसेंजर्स को सेम पीएनआर पे अपने एडजेसेंट सीट को बुक करने के लिए गो मोर स्कीम को लॉन्च किया है जिस जिसमें पैसेंजर्स सेम पी पे अपने एडजस्टेंड सीट को बुक कर सकते हैं एयरलाइन ने ऑन डिमांड हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन फैसिलिटी को भी लॉन्च किया है तो गो एयर ने गो मोर स्कीम को लॉन्च किया है जिससे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए पैसेंजर्स अपने एडजेसेंट सीट को बुक कर सकते हैं नेक्स्ट हेडलाइन है हमारी ग्रेटर थुनबर्ग नेम्ड विनर ऑफ गुलबेनकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी मानवता के लिए ग्रेटर थुनबर्ग को गुलबेंकियन प्राइज़ दिया गया स्वीडन की 17 ईयर ओल्ड क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटर थुनबर्ग को ह्यूमैनिटी के लिए इनागरल गुलबेंकियन प्राइज दिया गया है उनको वन मिलियन यूरो का प्राइज मनी दिया जाएगा क्लाइमेट चेंज से टैकल करने के लिए यंगर जनरेशन को मोबिलाइज़ करने के लिए ये उनका जो एफर्ट है उसके लिए उन्हें ये अवार्ड दिया जा रहा है तो तो गुलबेनकियन प्राइस फॉर ह्यूमैनिटी इसकी विनर Greta Thunberg है ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है अब आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर सीरीज पे और हमारा पहला क्वेश्चन है who has been appointed as new cmd of nmdc नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का न्यू सीएमडी किसको अपॉइंट किया गया है एंड द आंसर इज सुमित दीप सुमित देव को नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है और ये और इन्होंने एन बैजेंद्र कुमार को सक्सीड किया है ही विल सक्सीड एन बैजेंद्र कुमार बाकी ऑप्शंस को हम देखें तो पीसी कंटपाल कंठपाल इनको एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का एमडी सीईओ अपॉइंट किया गया है राहुल बजाज ये बजाज फाइनेंस बजाज फाइनेंस के चेयरमैन हैं इन्होंने रिसेंटली अपनी इस पोस्ट से रिज़ाइन किया है नेक्स्ट है हमारा अरुण कुमार इनको यू का वाइस चेयरमैन अपॉइंट किया गया है तो अरुण कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चेयरमैन ऑफ़ यू राहुल बजाज द चेयरमैन ऑफ बजाज रिसेंटली रिजाइंड एंड पी सी कन्द्रपाल हैज बीन अपॉइंटेड द एम डी एंड सी ई ऑफ एस बी आई जनरल इंश्योरेंस एंड सुमितज बिन अपॉइंटेड द न्यू सी एम टी ऑफ एन एम डी सी ये सारे नाम इम्पॉर्टेंट हैं इनको आप लर्न कर लीजिए अगला सवाल है हमारा वृक्षारोपण अभियान विल बी लॉन्च बाई द यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी वृक्षारोपण अभियान को यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में लॉन्च किया है एंड द आंसर इज न्यू डेली न्यू डेली में यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने वृक्षारोपण अभियान को लॉन्च किया है इस अभियान को मिनिस्ट्री ऑफ कोल द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया एलॉन्ग अभियान का मेन एम प्लानेशन बाई द सोसाइटी को प्रोमोट करना है प्लानेशन बाई द सोसाइटी को प्रोमोट करने के लिए इस वृक्षारोपण अभियान को लॉन्च किया गया है जो कि न्यू डेली में यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया अगला सवाल है हमारा पंजाब गवर्नमेंट टाइटअप विथ विच इंस्टीट्यूट फॉर स्किल डेवलपमेंट स्किल डेवलपमेंट के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने कौन से इंस्टीट्यूट के साथ टाइप किया है एंड द आंसर इज आईआईटी रोपर ये क्वेश्चन भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है स्किल डेवलपमेंट के लिए पंजाब पंजाब गवर्नमेंट ने आईआईटी रोपर के साथ टाइप किया है नेक्स्ट है हमारा इंडिया हैज स्टेब्लिस्ड इंडिविजुअल बाइलेक्ट्रल एयर बबल्स विथ फ्रांस एंड विच कंट्री इंडिया ने फ्रांस और किस दूसरी कंट्री के साथ मिलकर इंडिविजुअल बाइलेट्रल एयर बबल को इस्टैब्लिश किया है एंड द आंसर इज यू एस ए इंडिया हैज इस्टिश इंडिविजुअल बाइलेटरल एयर बबल्स विद फ्रांस एंड यूएसए अब देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को और हमारा अगला क्वेश्चन है विच स्टेट साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद अमूल टू हेल्प वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड बूस्ट मिल्क कोऑपरेटिव्स कौन से स्टेट ने अमूल के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है जिससे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की हेल्प की जा सके और मिल्क कोऑपरेटिव को बूस्ट किया जा सके एंड द आंसर इज आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने अमूल जिसका फुल फॉर्म आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है उसके साथ मिलकर विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एम्पावर करने के लिए और गवर्नमेंट सेक्टर्स के कॉपरेटिव को इंकरेज करने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है तो अमूल के साथ किस स्टेट ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है एंड द आंसर इज आंध्र प्रदेश अगला सवाल है हमारा विच स्टेट हैज लॉन्च्ड ई सचिवालय पोर्टल ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बैंक एसएससी, यूपीएससी, किसी भी एग्ज़ाम की बात करें तो ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ सकता है कि ई सचिवालय पोर्टल को कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है एंड द आंसर इज हरियाणा हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने एक ई सचिवालय पोर्ट एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ई सचिवालय पोर्टल को लॉन्च किया है जिससे जिससे चीफ जीप मिनिस्टर जी, डिप्टी डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वेरियस डिपार्टमेंट के जो अदर हेड्स और अदर हेड्स और मिनिस्टर्स हैं उनके साथ वर्चुअल मीटिंग के ऑनलाइन अपॉइंटमेंट को लेने के लिए इस ई सचिवालय पोर्टल को लॉन्च किया गया है जिसको हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खत्तर जी ने लॉन्च किया है इसके अलावा हरियाणा ने एक सेफ्टी कम करनाल में एक सेफ्टी कंपेन को लॉन्च किया है जिसका नाम है हर सर हेलमेट जिस हर सर हेलमेट इसमें इन्होंने यूथ्स को हेलमेट डिस्ट्रीब्यूट किया है एनोद न्यूज़ रिलेटेड टू हरियाणा इज दैट हरियाणा गवर्नमेंट हैज़ अनाउंसड दैट जो भी गर्ल्स स्टूडेंट हैं उनको आफ्टर ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज कॉलेज से के ग्रेजुएशन के बाद उनको पासपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा जो भी गर्ल स्टूडेंट हैं ग्रेजुएशन के बाद उनको पासपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा इसके अलावा हरियाणा गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसमें सफाई कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान होंगे उनके जो भी कंप्लेंट्स होते हैं उसका सलूशन प्रोवाइड करने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने एक नए पोर्टल को लॉन्च किया है नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज पार्टनर्ड विथ एन टू ट्रेन रूरल यूथ फॉर फिनेंशियल सर्विसेज जॉब कौन से बैंक ने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ पार्टनरशिप किया है जिससे वो रूरल यूथ को ट्रेन कर सके फॉर फिनेंशियल सर्विसेज जॉब एंड द आंसर इज़ एयरटेल पेमेंट बैंक एयरटेल पेमेंट बैंक ने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ कोलेबरेट किया है जिससे रूरल एरियाज में यंग पीपल को ट्रेन किया जा सके और उनको जॉब को फाइंड करने के लिए इनेबल किया जा सके और उनको किसी भी क्षेत्र में इंटरप्रूनर्स बनाया जा सके रूरल यूथ को फिनेंशियल सर्विसेज जॉब के जॉब के लिए ट्रेन करने के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक ने, ने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ कोलेबरेट किया है नेक्स्ट इज एल आई सी हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच बैंक टू डिस्ट्रीब्यूट लेटर्स पॉलिसीज एल की नीतियों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एल ने कौन से बैंक के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है एंड द आंसर इज़ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने कॉरपोरेशन बैंक एंड आंध्रा बैंक के साथ अपने अमाल के बाद लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया के साथ एक पार्टनरशिप किया है जिससे वो एल पॉलिसीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें तो एल पॉलिसीज़ uh, को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने और एल ने एक एग्रीमेंट को साइन किया है नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज़ लॉन्च इट्स फर्स्ट इंडिपेंडेंट मिशन टू मार्स मंगल पे अपने पहले इंडिपेंडेंट मिशन को कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है एंड द आंसर इज चाइना चाइना ने मंगल ग्रह चाइना ने मार्स पे अपने पहले इंडिपेंडेंट मिशन तियानविन फर्स्ट को सक्सेसफुली लॉन्च किया है लॉन्ग मार्च फाइव रॉकेट कैरी कैरिंग स्पेस क्राफ्ट इसको साउथ चाइना के ट्रॉपिकल हैनन प्रोविंस के वेन्चांग स्पेस लॉन्च साइट पे इग्नाइट किया गया है इसको लॉन्च किया गया है तो चाइना ने अपने पहले इंडिपेंडेंट मिशन टू मार्स तिरानवे फर्स्ट तिरानवे वन को सक्सेसफुली लॉन्च किया है तो आज के लिए बस इतना ही है विद दिस वी विल कम टू एन एंड फॉर मोर अपडेट फॉलो अस रेगुलरली एंड अस एंड फॉर पी डी एफ ऑफ द वीडियो ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप एंड द लिंक इज गिवेन इन अवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स बाय बाय गाइज टेक केयर कीप वॉचिंग कीप लर्निंग थैंक यू सो मच